हाई बीपी सब चीज़ों सब बीमारियों पर एक प्रमुख लक्षण है, खतरा भी है, तो ये दिमागी बीमारी पर क्या क्या असर डाल सकता है? जी हाई ब्लड प्रेशर जो है, या ब्लड प्रेशर पहले हम बता दें कि शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग का हार्ट से जो ब्लड निकलता है वह पूरा शरीर में सर्कुलेशन होता है और यही ब्रेन में जाता है, तो एक प्रेशर रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में जो पंप है पानी का, वो हम लोग का छत या टंकी तक जो ले जाता है पानी, तो उसमें प्रेशर चाहिए, वैसी हार्ट में प्रेशर होना चाहिए जो कि ब्रेन तक ब्लड को पहुँचाए। लेकिन यह एक लेवल तक सही है, अगर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जैसे हाई ब्लड प्रेशर, तब यह खराबी भी कर देता है। अगर लो है तो ब्लड बराबर नहीं पहुँचेगा, उसके चलते भी रोग होने का डर रहता है और वह बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन नॉर्मल है बहुत अच्छा, अगर बीपी हाई है तो यह कभी कभी नुकसान कर देता है, जैसे कि खून के नली फट जाने से ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या कभी कभी क्लॉट बन जाएगा, और कभी देखा जाता है कि किसी का ब्लड प्रेशर रेगुलरली थोड़ा सा हाई है तो वह मरीज को बहुत तंग नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन का जो पार्ट है वो ख़राब होते चल जाएगा, और देखते हैं कि मरीज लोग में भूलने का बीमारी स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं। भूलने का, चलने का, बात करने का, उनका दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है जितना कि होना चाहिए। और कुछ मरीज ऐसे भर्ती होते हैं कि जिनका बीपी अचानक बढ़ गया, वो आके हम लोग का वार्ड में भर्ती हो जाते हैं, उन्हें देखने का बीमारी हो जाता है, दोनों आँख से कुछ मालूम नहीं पड़ता है, फिर उन्हें मिर्गी का दौरा भी आने लगता है, इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। और ये सब जो चीज़ हैं टर्सरी केयर जैसे कि IGMS, PMCH, एम्स, इस तरह के अस्पताल में ही डॉक्टर ज़्यादा पकड़ पाते हैं। तो इतने चीज़, लकवा, ब्रेन हेमरेज, भूलने की बीमारी, मिर्गी का आना, हाथ पैर का एक तरफ कमज़ोर हो जाना और ब्रेन का सुस्त हो जाना, जिसे हम इंसेफेलोपैथी बोलते हैं, ये सब चीज़ होने का संभावना बढ़ जाती है। तो अगर बीपी है तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे दिमागी तौर पर कोई असर ना पड़े? जी, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उन्हें चाहिए कि पहले डॉक्टर को दिखाएं और रेगुलर अपना बीपी शुरू में चेक कराएं, और दवा अगर स्टार्ट हो जाता है आपका तो बीपी शुरू में 2-3 दिन पर चेक कराएं, फिर कंट्रोल रहता है 7 दिन पर, फिर अपना 1-2 महीना पर भी चेक करा सकते हैं, और अगर दिक्कत है तो बीच में भी चिकित्सक से मिल सकते हैं, और ECG, ब्लड शुगर, जो भी ये सब जांच है करना चाहिए। कितना हम लोग मरीज को आजकल देखते हैं कि यंग एज में बीपी हो गया, 20-30 साल, तो उनको अपना किडनी का भी जाँच कराना चाहिए। तो जैसे बहुत से लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि नस फट जाना, तो नस फटने का भी समस्या हो सकती है हाई बीपी की वजह से? जी, बताएं कि जो भी हम लोग के यहाँ लकवा है वो कॉमन जो है बीपी के चलते होता है, और इसमें सबसे कॉमन है खून का नली का फट जाना। अगर प्रेशर हाई है खून के नली के अंदर तो उसको रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है, जिससे ब्लड निकलता है और मरीज को लकवा हो जाता है।